हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़। सीजी पटवारी आरआई हॉस्टल वार्डन के फ्री कोर्स में आप सभी का स्वागत है। यदि आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। ये एक ऐसा पोर्शन जिसमें हमेशा स्टूडेंट्स को ऐसा होता है कि हम कितना भी याद कर लें बट वो एग्ज़ाम में याद नहीं आता, या फिर जो हम पढ़े हैं वो एग्ज़ाम में आया नहीं, और यहाँ और इस चक्कर में हमारा गलत हो जाता है। साथ में ऐसा होता है कि हम कितने सारे वर्ड्स तो लिख लेते हैं, अपनी कॉपी में नोट्स बना लेते हैं, बट हम उस चीज़ को याद नहीं कर पाते। तो ये सभी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि आज जो हम वर्ड्स देखने वाले हैं वो डेफिनेटली आपको याद रहने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले हमने कल 5 वर्ड्स पढ़े थे, वो उसको एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं कि हमने आखिर कल क्या क्या वर्ड्स पढ़ा था। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था ऑकवर्ड। क्या पढ़ा था? ऑकवर्ड, और उसका मीनिंग मैंने आपको क्या बताया था? अजीब। क्या बताया था मैंने आपको? ऑकवर्ड का मीनिंग क्या बताया था? अजीब सा लगना, अटपटा सा लगना। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? एपरेंट पढ़ा था, और एपरेंट का मीनिंग मैंने आपको क्या बताया था? स्पष्ट। ठीक है, एपरेंट का मतलब स्पष्ट। स्पष्ट क्या होती है? कुछ चीज़ जब एविडेंट होती है, यानी कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि प्रत्यक्ष है कुछ चीज़। ठीक है, यानी कि एविडेंट है। और उसके बाद हमने क्या देखा था? डिस्टिंक्ट, यानी कि कुछ चीज़ अलग से है, तो वो भी हमको क्या रहती है? स्पष्ट दिखाई देती है। उसका उल्टा क्या हो जाता है? इनडिस्टिंक्ट, यानी कि सब में घुली मिली रहेगी तो क्या अलग से दिखेगी? क्या नहीं दिखेगी, यानी कि अस्पष्ट चीज़ है वो। ठीक है, और हमने क्या पढ़ा था? एल्योर पढ़ा था। एल्योर का मीनिंग मैंने आपको क्या बताया था? फुसलाना, यानी कि किसी को सेड्यूस करना, टेम्प्टिंग लगना, आकर्षित लगना मैंने आपको बताया था। ऑडियस बताया था, ठीक है, सॉरी फैसिनेटिंग बताया था, ऑडियस नहीं, फैसिनेटिंग बताया था, सेड्यूस बताया था, टेम्प्टिंग बताया था, और फैसिनेटिंग इसका जस्ट उल्टा, आकर्षित कर रही है कुछ चीज़ तो दूसरी ओर क्या होता है? रिपल, हमको वो चीज़ आकर्षित नहीं कर रही है, हम दूर जा रहे हैं, और रिपल्स कर रही है। क्या कर रही है? रिपल्स कर रही है। और क्या मैंने आपको बताया था? डिटर, डिस्टेस्ट, यानी कि कुछ चीज़ अच्छी नहीं लग रही है हमको, तो ये क्या हो गया? एल्योर हो गया। और क्या हमने देखा था? एबोमिनेबल, और एबोमिनेबल का मीनिंग मैंने आपको क्या बताया था? घिनौना सा। ठीक है, यानी कि अच्छा नहीं लगना हमको कुछ चीज़, जब अच्छा नहीं लगना तो उसका मीनिंग मैंने आपको बताया था रिपग्नेंट, एवर्जन। ठीक है, याद आ रहा है? रिपग्नेंट बताया था, एवर्जन बताया था, और क्या बताया था? ऑडियस बताया था, ODIOUS, ऑडियस बताया था। ठीक है, और इसका जस्ट अपोजिट एंटोनिम मैंने आपको क्या बताया? कुछ चीज़ घिनौनी सी, अच्छी नहीं लग रही, तो उसका अपोजिट क्या होगा? अच्छी लग रही, यानी कि लाइकेबल है वो। क्या है? लाइकेबल है, एंजॉयबल है, हमको बड़ा मज़ा आ रहा है। ठीक है, और क्या है? प्लेजेंट है, अफेक्शनेट है, यानी कि लविंग सा है हमको। ठीक, ये क्या हो गया? किसका ये एंटोनिम्स है? एबोमिनेबल। और लास्ट वर्ड हमने क्या देखा था? एडोसिटी देखा था। क्या देखा था? एडोसिटी। और मैंने आपको क्या बताया था? एडोसिटी का मीनिंग क्या होता है? एडोसिटी का मतलब होता है दुस्साहस, दृष्टता, या फिर बोल्डनेस। मैंने सिनोनिम्स में आपको क्या बताया था? बोल्डनेस बताया था। ठीक है, और क्या बताया था मैंने बोल्डनेस के साथ में आपको? एरोगेंस, इंसोलेंस, और हाउटीनेस, अभिमान। ठीक है, मैंने आपको बताया था। और इसका जस्ट एंटोनिम्स क्या होते हैं, अपोजिट्स क्या होंगे इसके? माइल्डनेस, कोवर्डाइस, फिर और क्या बताया था मैंने? सबमिशन, ह्यूमिलिटी। ये सब, ये हमने 5 वर्ड्स देखे थे। ठीक है, आगे देखते हैं आज क्या देखना है हमको। आज है फर्स्ट वर्ड, क्या है आज का हमारा? आज का हमारा वर्ड है एले। ठीक है, अब इसको याद कैसे करोगे? सबसे पहले एले का मीनिंग होता है शांत करना। क्या होता है इसका मीनिंग? शांत करना। ठीक है, एले मतलब होता है किसी को शांत करना, यानी कि कोई, मान के चलो कोई बहुत ही ज़्यादा क्रोधित है तो हम उसको शांत कर रहे हैं। ठीक है, अब ये लड़की क्या है? इसको कर रही है शांत, कर रही है पेसिफाई, कर रही, मना रही है। ठीक है, समझ में आ रहा है? मना रही है, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? पेसिफाई करना, सूथ करना, लाइटन करना, एसोज करना। ठीक है, यानी कि शांत करना। लाइटन का मतलब क्या होता है? कम करना होता है। ठीक है, यानी कि शांत करना, गुस्सा बहुत ज़्यादा है तो उसको कम किया जा रहा है। एले,
हिंदी में हम लोग बोलते हैं किसी को मनाने के लिए, छोटे बच्चों को मनाने या फिर कुछ दे रहे, एले यानी कि दे रहे हो, ठीक है, यानी कि शांत कर रहे हो, यानी कि बहुत ज़्यादा गुस्सा है वो, इस तरह से आप रिलेट करके पढ़ो, है ना, यानी कि बोझ जैसे मत पढ़ो, अरे यार याद ही नहीं हो रहा है, नहीं, उसको रिलेट करके पढ़ो कि किस तरह से। इसलिए मैंने आपके सामने पिक्चर रखा है कि जिससे आप रिलेट, कम से कम याद तो हो जाएगा, पिक्टोग्राफी हमको याद होती है, ठीक है, और उसका किसी को शांत करना तो क्या हो जाएगा, उसका जस्ट अपोजिट, भड़का देना। भड़काना मतलब एग्रवेट करना, हाइटन करना। लाइटन का अपोजिट क्या होता है, हाइटन करना, एजिटेट करना, एक्साइट करना और उसको ज़्यादा उत्तेजित करना, प्रोवोक करना, ठीक है, ये उसका अपोजिट हो गया। आगे देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा एफरेंट। अब एफरेंट आपको याद करने के लिए, आपको यदि एले याद है ना तो आपको एफरेंट याद हो जाएगा। कैसे याद हो जाएगा, देखो एले का अपोजिट होता है एफरेंट। क्या होता है, एले का अपोजिट होता है एफरेंट। इसका मतलब क्या है, इसका सिनोनिम इसका एंटोनिम बन जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, उसका सिनोनिम क्या था याद करो, क्या करना, कम करना, शांत करना, पेसिफाई करना। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, अपीज करना, कंसोलिएट करना, एसोज करना, मॉलिफाई करना। इसका मतलब क्या होता है, कम करना, शांत करना, इनका मीनिंग होता है, ठीक है। और इसका एंटोनिम इसका सिनोनिम हो जाएगा। अब मैंने एंटोनिम में क्या बताया, और ज़्यादा भड़काना, प्रोवोक करना, तो देखो प्रोवोक करना, एग्जास्पिरेट करना, इनडिग्निटी, इररेवरेंस। समझ में आया कि नहीं आया, मैंने क्या कहा कि जो एले है और एफरेंट है ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। इसका मतलब इसका सिनोनिम इसका एंटोनिम है और इसका एंटोनिम इसका सिनोनिम है। अब यदि एले याद है ना आपको तो एफरेंट याद हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से आप लोग याद करना इसको। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, अबेट। अबेट का अब इसको कैसे याद करोगे, जो एले है, यदि आपको एले याद है तो अबेट याद हो जाएगा। कैसे, जो एले का जो जो मीनिंग है, यानी कि इसका सिनोनिम इसका भी सिनोनिम है और इसका एंटोनिम इसका भी एंटोनिम है, यानी कि अबेट और एले एक दूसरे के बराबर हैं, यानी कि इन दोनों का मीनिंग एक ही है, शांत करना ही होता है, ठीक है। अब कैसे है, देखो एलिविएट करना, कम करना, मिटिगेट मतलब कम करना, लेसन मतलब होता है कम करना, डिक्रीज का मतलब होता है कम करना, ठीक है। तो और साथ में उसका एंटोनिम क्या होगा, इसमें कम कम देखे, अब इसमें ज़्यादा ज़्यादा देख लो। एग्रवेट करना मतलब बढ़ाना, इंटेंसिफाई करना मतलब और ज़्यादा बढ़ा देना, ऑगमेंट का मतलब भी क्या होता है, बढ़ाना, सप्लीमेंट का मतलब होता है बढ़ाना। सप्लीमेंट्री शीट लेते रहे हो अभी तक एग्जाम में, तो इसका मतलब क्या, एडिशन करते रहे हो अपनी शीट में, ओरिजिनल और आंसर शीट थी उसमें क्या करते रहे हो, एडिशन, सप्लीमेंट्री शीट लेते रहे हो, तो उसका मतलब क्या हो गया आपका यहाँ पे, उसका एंटोनिम हो गया। कम का एंटोनिम क्या हो गया, ज़्यादा करना, ठीक है। यहाँ से आपको हो सकता है याद हो जाए, मैंने अभी फटाफट बता रही हूँ। एले मैंने आपको बताया, एले से ही आपको सब याद हो जाएगा, ठीक है। एले और अबेट एक दूसरे के जैसे हैं, ये दोनों का मीनिंग एक है और इन दोनों का अपोजिट क्या है, एफरेंट है। इस तरह से याद करो, एक वर्ड को याद किए और आपका तीन वर्ड यहाँ पे प्रिपेयर हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट, यहाँ पे ये फोटो देखिए, इसमें लिखा हुआ है अबेटमेंट ऑफ सुसाइड। अक्सर ये न्यूज़ में आप सुने ही होंगे, ठीक है, टीवी चैनल्स में, न्यूज़पेपर में ये पढ़े होंगे, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड। अबेट का मतलब क्या होता है, ठीक है, अबेट। अब ये बताओ, मैंने आपको सफिक्स मेथड से बताया था, यदि किसी वर्ड के एंड में एम ई एन टी लगा रहता है तो वो क्या होता है, नाउन होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप पहचान पा रहे हो, अबेटमेंट नाउन है, ये केवल रिवीजन के लिए, वहाँ यहाँ पे मीनिंग से कोई रिलेशन नहीं है इसका, ठीक है। तो अबेटमेंट का मतलब क्या भी होता है, भड़काना। क्या होता है अबेटमेंट का मतलब, भड़काना, ठीक है, किसी का साथ देना। तो इस पे इल्ज़ाम ही यही लगा था, साथ देना, भड़काना, इल्ज़ाम यही लगा था कि नहीं, न्यूज़ आप लोग यदि फॉलो किए थे तो यही न्यूज़ आप लोग सुने होंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा है कि ये वर्ड क्यों लिखा है, यानी कि किसी को भड़काना, वो क्या हो जाता है, अबेट हो जाता है, ठीक। आगे देखिए क्या इसको क्यों बताया जा रहा है आपको, ये देखिए अबेटर। अबेटर का मतलब क्या होता है, अबेटर का मतलब क्या, अभी मैंने अबेट का मीनिंग आपको बताया, जहाँ पे मैंने आपको बताया साथ देना, अब देखो अबेटर का मतलब असिस्टेंट,
साथ देना, एकम्प्लिस किसी गलत काम में साथ देना, कलीग, कलीग मतलब क्या होता है, साथ में मेरे काम करते हैं साथ, ठीक है समझ में आ रहा है, कलीग्स हैं मेरे। फिर एसोसिएट है, एसोसिएट मतलब क्या होता है, साथी हैं मेरे ये लोग, तो साथ समझ में आ रहा है। बेटर का मतलब क्या है, साथी, साथ देना, ठीक। उसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, राइवल यानी कि दुश्मन है हमारे, एंटागोनिस्ट दुश्मन है, एडवर्सरी यानी कि विपक्षी दल है ना, अपोनेंट विपक्षी, एडवर्सरी का मतलब क्या होता है, विपक्ष में जो खड़ा रहता है, ठीक। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा है, अबेट का मतलब साथ और उसका मीनिंग क्या हो जाएगा, साथ देना, यानी कि सिनोनिम्स है, और ये हो गया विपक्ष में खड़े होना मतलब अपोनेंट्स, ठीक है, वो क्या हो गया, उसके एंटोनिम्स हो गए। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, एसीडुअस। तो एसीडुअस को याद कैसे करोगे, पहले पिक्चर देखो, तो यहाँ से समझ में आया, ये लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं लकड़ी उठाने का, इतनी भारी लकड़ी उठा रहे हैं यानी कि बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो यहाँ से मीनिंग क्या समझ में आया, यानी कि एसीडुअस का मतलब क्या होता है, मेहनती, ठीक है, मेहनती, हार्ड वर्किंग। अब याद करो आप लोग कि मैम हमको हमेशा चैम्पियंस बोलती रहती है, क्या बोलती रहती है, चैम्पियंस बोलती है। चैम्पियंस क्यों बोलती है मैम, क्योंकि आप लोग हार्ड वर्किंग हो, क्यों बोलती हैं, क्योंकि आप लोग हार्ड वर्किंग हो, इसलिए मैं आपको क्या बोलती हूँ, चैम्पियंस बोलती हूँ। इसका मतलब हुआ कि एसीडुअस का मीनिंग क्या हो गया, एसीडुअस का मीनिंग हो गया डेलीजेंट, अटेंटिव, अटेंटिव हो करके हर चीज़ सुनते हो आप लोग। फिर क्या है, परसीवरिंग, हार्ड वर्किंग पीपल हो आप लोग, और क्या हो, इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस का मतलब भी होता है हार्ड वर्किंग, मेहनती, यानी कि आप ऐसे समझ सकते हो इंडस्ट्री में मेहनत की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ से मीनिंग सिनोनिम्स क्लियर हो गया। इसका अपोजिट क्या हो गया, यदि कोई हार्ड वर्किंग है यानी कि कोई बहुत मेहनती है, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, आलसी, क्या हो जाता है, आलसी, यानी कि उसका मीनिंग क्या होता है, आलसी का मतलब क्या होता है, लेज़ी, ठीक है, लेज़ी। और लेज़ी का मीनिंग क्या होता है, देखिए लेज़ी का मीनिंग आप लोग याद रखना है यहाँ पे, लेथार्जिक, क्या याद रखोगे, लेथार्जिक मीनिंग होता है लेज़ी का, और क्या मीनिंग होता है, लिस्टलेस मीनिंग होता है, लिस्टलेस होता है। फिर इनडिफरेंस, केयरलेस, यानी कि कोई बहुत ज़्यादा मेहनती है, बहुत ही ध्यान दे रहा है, अटेंटिव है, तो उसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, केयरलेस है, बिल्कुल ध्यान नहीं देना, इनडिफरेंस है, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं, किसी भी चीज़ में उसका इंटरेस्ट ही नहीं है, इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एलाक्रिटी। एलाक्रिटी को याद करने के लिए आपको शिफ्ट गाड़ी याद करना पड़ेगा, क्या याद करना पड़ेगा, शिफ्ट। अब वो बहुत तेज़ी से चलती है, क्या चलती है, मैं जो बोल रही हूँ ना उस पर ध्यान दो, ठीक है, लिखा है तो ये तो आपकी बुक में भी लिखा है बट याद नहीं हो पाता, लेकिन जो मैं बोल रही हूँ उसको ध्यान से सुनो, ठीक है। शिफ्ट, शिफ्ट गाड़ी को याद करो, बहुत तेज़ी से चलती है, उसका नाम शिफ्ट क्यों दिए, ऐसी दे दिए क्या, मन किया शिफ्ट दे दें तो शिफ्ट, तो नहीं, शिफ्टनेस का मीनिंग होता है बहुत तेज, शिफ्टनेस का मीनिंग होता है बहुत तेज, ठीक है। स्पीड, प्रॉम्प्टनेस, ब्रिस्कनेस, तो एलाक्रिटी का मतलब क्या हो गया, तेज, क्या हो गया, तेज, स्पीड। उसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा, लेजी, बहुत तेज का, तेज का मतलब क्या हो गया, लेजी मतलब दिन भर बैठे रहना, आलस करना, ठीक है। स्लगिशनेस, इंडोलेंस, लेथार्जी, लिस्टलेस, समझ में आया, दो वर्ड यहाँ से आपको याद करने, एक तो पहला, एक क्या याद करना है, एसीडुअस। तो एसीडुअस का मैंने आपको क्या मीनिंग बताया, आप अपने से रिलेट करके देखो, मैम हमको चैंपियंस बोलती, चैंपियंस इसलिए बोलती क्योंकि हम बहुत ज़्यादा अटेंटिव हैं, हम बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, इसीलिए हमारा आज से नाम एक पड़ गया एसीडुअस। एसीडुअस का मतलब होता है इंडस्ट्रियस, हम बहुत ज़्यादा मेहनती। इसका जस्ट हमारा यदि कोई उल्टा देखे तो क्या हो जाएगा, लेजीनेस, और लेजीनेस का मतलब क्या होता है, लेथार्जिक, लिस्टलेस, इंडिफरेंस, केयरलेस, यानी कि जो लोग ध्यान नहीं देते हैं वो लोग लेजी हो जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या याद करना है, एलाक्रिटी। एलाक्रिटी को याद करने के लिए मैम क्या बताए कि शिफ्टनेस को याद करना है, क्या याद करना है, शिफ्ट कार को याद करनी है आपको, शिफ्ट गाड़ी को याद करनी, और शिफ्ट गाड़ी अच्छे से कहाँ चलती है, सिटी में चलती है, कहाँ चलती है, जहाँ पर रोड अच्छी हो, सिटी में चलती है। केवल याद करने का तरीका बस बता रही हूँ, ठीक है, रिलेट कैसे करोगे, केवल ये बस है और कुछ नहीं है ये, ठीक। शिफ्ट गाड़ी कहाँ चलती, सिटी में बहुत बहुत स्पीड से चलती है, तो बस यहाँ से आपको मीनिंग पता चल गया, शिफ्टनेस, ब्रिस्कनेस,
प्रॉम्प्टनेस स्पीड, और कुछ चीज तेज से चल रही है उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, उसका अपोजिट हो जाएगा आपका बहुत ही धीरे धीरे चलना, लेजी है कोई, स्लगिशनेस, इंडोलेंस, लेथार्जी, लिस्टलेस। होप सो कि आपको याद हो रहा हो। फिर नेक्स्ट वर्ड क्या है, एब्ज्योर। एब्ज्योर का मतलब क्या होता है आपका, एब्ज्योर का मतलब होता है फोरसेक, रिनाउंस, रिट्रैक्ट, रिवोक, रिपील और एब्रोगेट। अब यहाँ से आपको, मैं जब आपको अधिनियम पढ़ा रही थी तो मैं आपको अक्सर बोला करती थी निरसित कर दिया गया, ठीक है। निरसित के साथ में मैं एक वर्ड यूज़ करती थी रिपील कर देना, ठीक है। तो एब्जॉर का मतलब होता है रिपील करना, ठीक। और आर्टिकल 370 में, यानी कि जो JNK में था आर्टिकल 370, उसके लिए आप हमेशा वर्ड एक सुने होंगे, मे बी न्यूज़ में, न्यूज़पेपर में या फिर टेलीविज़न में ऐसा वर्ड सुने कि आर्टिकल 370 रिवोक कर दिया गया, यानी कि क्या करना, हटा देना उसको, ठीक है, हटा देना, निरसित कर देना, निकाल देना, ठीक। तो उसका जस्ट अपोजिट क्या होगा, हटा दिए, उसका अपोजिट क्या होगा, एडॉप्ट करना, वापस ले लिए, ठीक है। सैंक्शन, सहमति देना, अप्रूवल दे देना। पेट्रोनाइज, शरण देना। आपने सुना होगा कि बौद्ध भिक्षुओं को शरण दी जाती थी, अशोका के द्वारा शरण दी गई, तो पेट्रोनाइज का मीनिंग क्या होता है, शरण देना, ठीक है। यानी कि आपको यहाँ से क्या याद करना है, एब्ज्योर। एब्ज्योर का, एब्ज्योर मतलब रिपील, निरसित, ऐसे याद कर लो, रिवोक हो गया, रिट्रैक्ट हो गया, रिनाउंस हो गया, एब्रोगेट हो गया, ठीक। इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा, एडॉप्ट कर लेना, सैंक्शन कर देना, अप्रूवल दे देना, ठीक। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, एब्जेक्ट। तो एब्जेक्ट का मीनिंग क्या होता है, यहाँ पे आपको क्या याद करना है, देखिए एब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा चापलूसी करना, क्या होता है, चापलूसी करना, ठीक है, एब्जेक्ट होता है। तो इसको आप, इसका सिनोनिम क्या होगा, सर्वाइल होगा, डिबेसमेंट होगा। अब याद कैसे करोगे, मैं आपको बताती हूँ, सर्वाइल, ठीक है, सर्वाइल, यहाँ से आप लोग सर्वेंट से रिलेट कर सकते हो, ठीक है, सर्वाइल को आप लोग सर्वेंट से रिलेट कर सकते हो, लेकिन एग्जैक्टली क्या होता है, सर्वाइल का मीनिंग क्या होता है, यानी कि जी हुजूरी करने वाला, जी हुजूरी मतलब किसी की गुलामी करने वाला, ठीक है। सर्वाइल का मीनिंग क्या होता है, गुलामी करने वाला, ठीक, यानी कि स्लेव से आप रिलेट कर सकते हो बहुत हद तक, सर्वेंट से तो पूरा पूरी तरह से नहीं, स्लेव्स जो होते हैं उनका काम क्या होता है, जी हुजूरी करना, यानी कि हाँ में हाँ मिलाते रहना। और नॉर्मली यदि क्या हम बोल सकते हैं, जूते चाटने वाला व्यक्ति, मतलब समझ रहे हो, यदि कोई बहुत ज़्यादा जी हुजूरी करता है तो अपन बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं कि जूते चाटने वाला व्यक्ति, है ना। तो जूते चाटने वाले व्यक्ति के लिए एक बहुत ही अच्छा वर्ड होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइकोफेंट। क्या बोलते हैं हम लोग, साइकोफेंट, जो लोग जूते चाटते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, साइकोफेंट। और साथ में हम लोग क्या बोलते हैं, बूट लिकर। क्या बोलते हैं, बूट, LICKER, ठीक है, ये जूते चाटने वाले व्यक्तियों का ये नाम है, ठीक। और उसका मीनिंग क्या होता है, सर्वाइल होता है, क्या होता है, सर्वाइल। और सर्वाइल मतलब क्या है, एब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ से आपको यदि साइकोफेंट वन वर्ड में भी आता है तो भी आपको याद होगा कि याद हो जाएगा साइकोफेंट का मीनिंग क्या होता है। मैम क्या बताइए हम लोगों को, जूते चाटने वाला व्यक्ति, यानी कि बहुत ज़्यादा चापलूसी, गुलामी करने वाला व्यक्ति। और गुलामी करने वाला व्यक्ति को हमको कैसे रिलेट करना है, स्लेव से, गुलाम से। और गुलाम कौन होता है, सर्वाइल कहलाता है। इस तरह से आपका बहुत सारा वर्ड तैयार हो गया यहाँ से, ठीक है। और गुलामी, उसका जस्ट अपोजिट क्या होगा, नोबल, यानी कि रेस्पेक्टफुल पर्सन, ठीक है, एक्साल्टेड पर्सन, डिग्निफाइड, यानी कि जिसकी अपनी डिग्निटी है, उसका अपना रेस्पेक्ट है। और लोफ्टी, यानी कि रेस्पेक्टफुल पर्सन, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, एवर्जन। एवर्जन का मतलब होता है कुछ चीज़ हमको अच्छी नहीं लगना, डिसलाइक, हेट्रेड, इनडिफरेंट, यानी कि बिल्कुल इनडिफरेंट। यदि कोई व्यक्ति इनडिफरेंट है ना, इसका मतलब कि उसको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, ठीक है। यानी कि अभी जस्ट मैंने आपको बताया केयरलेस होना, फ़र्क नहीं पड़ता उसको, ठीक है। तो इनडिफरेंट का मतलब होता है फ़र्क नहीं पड़ना। और वैसे ही अपैथी, अपैथी का यहाँ पे अभी मैं बताऊँगी आपको क्या है, ठीक है। बहुत सारे वर्ड यहाँ पे, ये बोलने के लिए आपको 9th नंबर है, बट इसके साथ में आपको बहुत सारे वर्ड भी याद होते हुए ही चलेंगे। तो उसका जस्ट अपोजिट, कुछ चीज़ अच्छी नहीं लग रही, उसका अपोजिट क्या होगा, अच्छा लग रहा है, अफेक्शन, अफेक्शनेट, ठीक है।
फॉन्डनेस, बहुत ही ज़्यादा फॉन्डनेस का मतलब क्या होता है, हमको बहुत बहुत अच्छी अच्छी कुछ चीज़ लग रही है तो हम फॉन्डनेस मतलब बहुत आकर्षित हो चुके हैं अब उसके प्रति। नाइसनेस लाइकिंग है हमारी, ठीक है। इसी तरह से हमने क्या पढ़ा था, इसके लिए याद करो मैंने आपको बताया था एबोमिनेबल, एबोमिनेबल का अपोजिट मैंने आपको क्या बताया था, लाइकेबल, एन्जॉयबल, प्लेजेंट, याद करो है ना, या आपको ये सब याद रहना चाहिए। एबोमिनेबल घिनौना, उसका उल्टा क्या हुआ, अच्छा लगा। तो यहाँ पे एवर्जन का मतलब भी क्या होता है, कुछ चीज़ हमको अच्छी नहीं लग रही है तो उल्टा क्या हो जाएगा, उसको अच्छा लगना हमको, ठीक है। अब यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है अपैथी, अपैथी जो है लैटिन वर्ड पैथोस से आया है, ठीक है, किससे आया, पैथोस से आया। पैथोस का मीनिंग होता है फीलिंग, क्या होता है, फीलिंग, ठीक। और यहाँ से आपको क्या याद रखना है, क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछते हैं, ठीक। सिंपैथी, सुने होंगे आप लोग ये वर्ड, ठीक है, अक्सर ये चीज़, सिंपैथी। सिंपैथी का मतलब क्या होता है, सहानुभूति। किसी से यदि आपको सहानुभूति है तो वहाँ पे हम लोग क्या वर्ड यूज़ करेंगे, सिंपैथी, ठीक है। अब इसी से एक रिलेटेड वर्ड होता है एम्पैथी, क्या वर्ड होता है, एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब क्या होता है, मान के चलो आपने किसी को देखा, वहाँ पे आपको अपने आप को आप इमेजिन करने यदि लगे, यानी कि किसी की स्थिति को देख करके आप स्वयं को इमेजिन कर रहे हो, उसकी जगह पे अपने आप को रख के देख रहे हो। जैसे कि अपन क्या बोलते हैं, खुद को रख के देखो ना, तब पता चलेगा, दूसरे को तो आसानी से कुछ भी चीज़ बोल देते हो, समझ में आ रहा है। उसको उसका मीनिंग क्या होता है, एम्पैथी, यानी कि दूसरों की जगह पे आप अपने आप को रखें और खुद पे क्या बीती ये इमेजिन की। सिंपैथी का मतलब आप दूसरे से सहानुभूति कर रहे हो, ओहो बहुत ख़राब हुआ इसके साथ में, बस वो होता है सिंपैथी। बट यदि आपके में एम्पैथी की फीलिंग है, यानी कि आप पूरी तरह से डूब, यानी कि आप लोग कभी मूवी देख रहे हो कोई सी, तो बहुत ही ज़्यादा कोई सा ऐसा सीन देख लेते हो तो आँख से आंसू बहने लगता है, यानी कि आपने वहाँ पर अपने आप को रख के देखा है, तब आपके आँख से क्या हो गया, आंसू आने लग गया, तो वहाँ पर तो क्या हो गया वो, उसको हम क्या बोलेंगे, सिंपैथी और एम्पैथी, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट वर्ड एंटीपैथी, एंटीपैथी। एंटी का मतलब क्या होता है, एंटी का मतलब हमेशा होता है अपोजिट, ठीक है, यानी कि पैथी फीलिंग, यानी कि कोई अपोजिट फीलिंग। अपोजिट फीलिंग मतलब क्या होता है, हेट्रेड की फीलिंग होना, नफरत की फीलिंग होना, क्या कहलाता है, एंटीपैथी। अब एपैथी क्या होता है, एपैथी मतलब कोई फीलिंग नहीं आना, ए मतलब क्या होता है, नहीं, ठीक है, यानी कि नो फीलिंग, यानी कि कोई फीलिंग ही नहीं है यदि किसी व्यक्ति में, तो उसको बोलते हैं एपैथी, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड है हमारा एब्जॉल्व। तो एब्जॉल्व का मीनिंग यहाँ पे क्या होता है, मीनिंग पहले सिनोनिम देख लेते हैं, तो सिनोनिम है पार्डन, फॉरगिव, रिप्राइव, रिलेंट, यानी कि किसी को क्षमा कर देना, माफ़ कर देना, ठीक है। और उसका जस्ट उल्टा क्या होगा, देखो किसी को माफ़ कर दियो तो उसका उल्टा क्या हुआ, किसी पे इल्ज़ाम लगा रहे हो, ठीक है, यानी कि एक्यूज़ कर रहे हो, चार्ज कर रहे हो उस पर, कंपेल कर रहे हो उसको, ठीक है, बाइंड कर रहे हो उसका। तो यहाँ पे आपको एब्जॉल्व, पहले एब्जॉल्व याद करो, एब्जॉल्व मतलब होता है माफ़ करना, सॉल्व मतलब, सॉल्व कुछ चीज़ कब होती है, मान लो दो जन के बीच में यदि लड़ाई है तो वो उनका मुद्दा सॉल्व कब होगा, जब एक व्यक्ति, यानी कि जब एक दूसरे को वो लोग माफ़ कर देंगे तो उनका मुद्दा सॉल्व हो जाएगा, इस तरह से आप याद कर। अच्छा सॉल्व कोई चीज़ कैसे हुई, जब कोई किसी को माफ़ कर दिया, यानी कि उसका सिनोनिम क्या होगा, पार्डन, फॉरगिव, रिप्राइव और रिलेंट। और इसका उल्टा क्या होगा, अब आप सोचो दिमाग, मतलब कि रिलेट कैसे करना है आपको याद करने के लिए वो बताया जा रहा है। अब उसका उल्टा क्या हो गया, अच्छा माफ़ कर दिए, यदि माफ़ नहीं करेंगे यानी कि उस पर हम क्या करें, चार्ज लगा रहे हैं, बोल रहे नहीं नहीं चलो अब तुम्हारे पर, यानी कि हम पुलिस को बता दे रहे हैं, एक्यूज़ कर रहे हैं, कंपेल कर रहे हैं, बाइंड कर रहे हैं, इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका एडमोनिश। पहले तो पिक्चर देख लो, पिक्चर देख करके बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पे याद हो जाएंगी कि अच्छा ऐसा कुछ हमने देखा था, क्या ऐसा कुछ बताया गया था। एडमोनिश, एडमोनिश का मतलब होता है वॉर्न करना। अब ये देखिए सनी देओल कैसे इसका गला एकदम पूरा पकड़ करके क्या बोल रहा है कि छुट्टी चाहिए तुझे, यानी कि इसको वॉर्न कर रहा है, ये समझ में आ रहा है, धमका रहा है उसको। काउंसिल, रिप्रूव करना, यानी कि वो छुट्टी मांग रहा है तो बोल रहा है कि नहीं नहीं छुट्टी मैं नहीं दूंगा, ठीक है, यानी कि वॉर्न कर रहा है उसको, वार्निंग दे रहा है। उसका जस्ट उल्टा क्या होगा, किसी को रिप्रूव करना, यानी कि
अप्रूवल नहीं देना तो उसका जस्ट उल्टा क्या होगा, अप्रूव कर देना, यानी कि अप्रूवल दे देना, अप्लॉड करना, प्रेज करना, फ्लैटरी करना। तो एडमोनिश को आप लोग कैसे याद कर सकते हो, ये पिक्चर से याद कर सकते हो, एडमोनिश। ठीक, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्रीमनी। क्या है एक्रीमनी? इसका मीनिंग क्या होता है? हार्शनेस, बिटरनेस, एनिमिटी। क्या है? हार्शनेस, बिटरनेस, ये आ रहेगा, है ना, बिटरनेस, एनिमिटी। अब याद कैसे करोगे आप लोग? मनी, अक्सर लड़ाइयाँ क्यों होती, दुश्मनी क्यों हो जाती, मनी की वजह से हो जाती। एक्री मनी, अच्छा मनी, मनी लास्ट में आया, याद कैसे करना है? मनी की वजह से, पैसों की वजह से तो दुश्मनी होती, पूरी दुश्मनी की तो जड़ ही पैसा है। इस तरह से याद कर सकते हो, यानी कि एनिमिटी, बिटरनेस, यानी कि मतभेद पड़ गया है, रिश्तों में दरार आ गई है। हार्शनेस यानी कि बहुत ही ज़्यादा कड़वाहट सी अब आ गई है रिश्तों में, उसका जस्ट उल्टा क्या होगा? ह्यूमैनिटी यानी कि मानवता, ठीक है, बेनेवोलेंस, और कर्टसी, शिफ्ट, इसका मतलब स्वीटनेस, यहाँ पे क्या होगा? स्वीटनेस, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, डबल ई टी आएगा, स्वीटनेस, यानी कि बहुत ही ज़्यादा मिठास है रिश्तों में। ठीक, इस तरह से आप लोग याद कर सकते हो। मनी, मनी की वजह से पूरी लड़ाई है, यानी कि एनिमिटी है, तो क्या हो जाएगा उसका, उसकी मीनिंग हार्शनेस, बिटरनेस, एनिमिटी, और यदि मिठास है रिश्तों में तो स्वीटनेस, कर्टसी, ह्यूमैनिटी और बेनेवोलेंस। ठीक है, तो ये कुछ वर्ड्स हैं, और किस तरह से आप याद करेंगे उसकी कुछ कुछ ट्रिक्स हैं। मे बी होप सो आपको याद हो रहा हो। यदि ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, साथ में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, साथ में चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुँचती रहे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू।